एलएसी पर भले ही डिस एंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हो गई हो और दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटने लगी हो, लेकिन भारत अब चीनी नेतृत्व को हल्के में नहीं लेना चाहता है। ऐसे में भारत लगातार अपनी सैन्य ताकत में इजाफा करने में लगा हुआ है। इसी क्रम में भारतीय नौसेना ने VLSR SAM यानी वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का परीक्षण किया है। इसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO की तरफ से बनाया गया है। बता दें कि DRDO और भारतीय नौसेना ने मिलकर पहली बार इस मिसाइल का 2 सफल ट्रायल किया है। VLSR SAM को इंडियन नेवी का एक खतरनाक हथियार बताया जा रहा है। इस मिसाइल की टेक्नोलॉजी इस तरह से डिजाइन की गई है कि ये करीबी रेंज में मौजूद कई हवाई खतरों को एक बार में ढेर कर सकती है। जमीन से हवा तक मार करने में सक्षम इस मिसाइल को इस क्षमता से लैस किया गया है जिससे दुश्मन का कोई भी रडार या फिर इंफ्रारेड सेंसर भी इसका पता नहीं लगा सकेगा। दुश्मन के रडार सिस्टम से बचकर ये अपने मिशन को अंजाम देती है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि आने वाले दिनों में इस मिसाइल के और भी ट्रायल को पूरा किया जाएगा, जिसके बाद इसे नेवी की वॉरशिप पर तैनात किया जाएगा। इस मिसाइल की रेंज 25 से 30 किलोमीटर तक की बताई जा रही है। VLSR SAM को DRDO की डिफेंस हैदराबाद स्थित रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी और रिसर्च सेंटर में तैयार किया गया है। इसके अलावा पुणे स्थित रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी इसमें सहयोग दिया गया है। सोमवार को इस मिसाइल का लॉन्च उड़ीसा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज पर वर्टिकल लॉन्च करके किया गया। ये मिसाइल पूरी तरह से स्वदेशी है और इसे डिजाइन करने का मकसद हवाई खतरों को नष्ट करना है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि दोनों ही बार इस मिसाइल ने पूरी सटीकता के साथ अपने टारगेट को नष्ट किया। मिसाइल को न्यूनतम और अधिकतम रेंज के साथ परखा गया था। इस लॉन्च के दौरान वेपन कंट्रोल सिस्टम को तैनात किया गया था। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये मिसाइल अपने पहले ही ट्रायल में बेहद प्रभावशाली साबित हुई है। ये सिस्टम इंडियन नेवी को और ताकत प्रदान करेगा। रक्षा मंत्रालय आगे इस मिसाइल का और भी बेहतर वर्जन बनाने की तैयारी कर रहा है। रक्षा मंत्रालय के इस प्रोजेक्ट के तहत सेना के लिए क्विक रिस्पांस सरफेस टू एयर मिसाइल और नौसेना के लिए VLSR SAM को डेवलप किया जा रहा है। साल 2020 में इस प्रोजेक्ट को DRDO की तरफ से कैंसिल कर दिया गया था, क्योंकि उस समय DRDO नेवी के प्रयोग के लिए अस्त्र MK-1 एयर टू एयर मिसाइल को डेवलप करने में लगी हुई थी। लेकिन अब दोबारा इस मिसाइल का परीक्षण किया गया है। आपकी इस खबर को लेकर क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।